दोस्तों, आखिर कैसे हुई भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु? कौन से राज और कौन से अभिशाप थे जिससे आज तक हम बेखबर हैं? इसको जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। दरअसल कुरुक्षेत्र युद्ध में गंधारी के सभी 100 पुत्रों को मृत्यु प्राप्त हुई, जिसने उनको पूरी तरह तोड़ दिया। दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात जब कृष्ण अपनी संवेदना देने के लिए गंधारी के पास गए तो वह गुस्से से उत्तेजित हो गई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अगर कृष्ण युद्ध को समाप्त करना चाहते तो वह ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दुखी माँ ने कृष्ण के साथ यदु वंश को भी श्राप दे दिया कि दोनों ही 36 वर्षों में नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने गंधारी को कुछ नहीं कहा और इस अभिशाप को स्वीकार कर लिया। जब दुर्वासा श्री कृष्ण की उपस्थिति में खीर खा रहे थे तो उन्होंने भगवान कृष्ण को आदेश दिया कि बची हुई खीर वे अपने शरीर पर लगाएं। कृष्ण इसे अपने शरीर पर लगाने के लिए सहमत हुए, लेकिन उन्होंने सोचा खीर पैरों पर लगाई जाएगी तो ये खीर अपनी पवित्रता खो देगी, इसलिए उन्होंने खीर अपने पैरों पर नहीं लगाई। लेकिन ऋषि दुर्वासा इससे नाराज हो गए और श्राप दे दिया कि तूने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, अब तेरे पैर अभेद्र और अखंड नहीं रहेंगे और तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। इसी तरह ये श्राप कृष्ण का अंत बना।